हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़। पहाड़ तो दुनिया में हजारों हैं, बट जहाँ हमारी माता का निवास हो वो कोई आम पहाड़ हो सकते हैं क्या? नहीं, ये है दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़। हेलो एवरीवन, आप अभी देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे पीछे शायद आपको वो पहाड़ पता नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और मैं हूँ अभी कटरा रेलवे स्टेशन पे, और अभी करके आई हूँ वंदे भारत की जर्नी। वंदे भारत बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन जो एटमोसफेयर है ना, इतना उसमें हरा रंग खड़े होके आ रहा है, और जिस तरह की हवा चल रही है वो जब तक नेचुरली फील ना हो तब तक क्या मतलब है। दुनिया के सबसे सुंदर रेल रूट्स में से जाने जाने वाला कटरा से जम्मू तवी तक दो रूट को कवर करूंगी, और हम जम्मू में से स्लीपर क्लास से जाएंगे। स्पेशली मैंने इस स्ट्रेच के लिए ही स्लीपर क्लास बुक किया है। आर यू ऑल सेट एंड रेडी? कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे साथ मेरे चैनल रेडियो आरती रुचि में। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि त्रिवेदी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं सफर की, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से, और जाएंगे जम्मू तवी तक। जब हर तरफ हताशा हाथ लगे तब तलाश शुरू होती है उनकी, जिनकी कल्पना करना भी हम मानवों के बस की बात नहीं। ये वही जर्नी है जिसकी यात्रा मैंने कुछ समय पहले करी थी, बट जिसकी यादें आज तक उतनी ही ताजगी के साथ मेरे साथ हैं। अब आप चाहे जिस मौसम में यहाँ आए, लोगों की भीड़ देख के आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इस स्थान की कितनी ज्यादा मान्यता है पूरे भारत में, और कितने सारे पिलग्रिम्स यहाँ पे आए दिन यात्रा करते ही रहते हैं। त्रिकुटी पहाड़ पर बसा ये माँ वैष्णो देवी का धाम जैसे लोगों के लिए एक अलग सी उत्सुकता और चेतना को हमेशा ही जगाए रखता है, और भारतीय रेल हमें ये अवसर प्रदान करती है कि हम इस मनोहर यात्रा का, इस प्राकृतिक सौंदर्य वाले रेलवे रूट का आनंद उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की भारतीय रेल के साथ। कटरा ऋषिकेश तो है वो यहाँ से निकल रही है, और ये आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर बता देंगे कि इसका इस्तेमाल करके भी आप पहुँच सकते हैं माता के धाम। फिलहाल जो मेरा कोच है वो है S1, और S1 में 36 नीचे की सीट है, और सिर्फ 1.5 घंटे की आसपास की जर्नी होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। बहुत आवाज आ रही है तो मुझे लगता है कोच में पहुँच के बात करते हैं। माँ हम सभी के कष्टों का निवारण करें, इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं और यात्रा को शुरू करते हैं माँ के आशीर्वाद के साथ। जय माता दी। देखिए इस यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा मैं ऑलरेडी वंदे भारत से आ चुकी थी और मैंने इस रूट को कवर किया था, बट इतने इनक्लोज एनवायरनमेंट में मज़ा सा नहीं आया। जब तक आप इस नेचुरल एम्बियंस को फील नहीं करते तब तक लगता है कुछ छोटा छोटा सा है, कुछ रूठा रूठा सा है। जी हाँ, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हाँ कहते हैं कि पहाड़ों की जो शाम है ना उसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए मैं अकेले ही क्यों एंजॉय करूँ, आप भी सफर में मेरे साथ हो लीजिए, बोर्ड कर लीजिए साथ में ट्रेन, और सुनते हैं कहानी के माध्यम से इस रूट की सुंदरता और विशेषताओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए तो जहां तक नजर जा रही है हम सभी की, हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हमारे साथ इस सफर पर चल रही है। वैसे तो मैंने वंदे भारत के लास्ट वीडियो में आप सभी को काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। अगर आप चाहें तो वो वीडियो उसकी लिंक मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर देती हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए भी मिलेंगी। तो इस वीडियो को थोड़ा सा हम पोएटिक फॉर्म में रखते हैं, थोड़ा सा पीसफुल फॉर्म में रखते हैं, है ना, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम का मतलब ही है शांति, और शाम होते के साथ मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ जिसको देख के आपके मन में आपको एक असीम शांति का अनुभव हो। क्योंकि मेरा मोटो इन जर्नीज को कवर करने का सिर्फ यही है कि मैं और आप इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ ऐसे पल चुरा सकें जिसमें हम खुश हैं, अपने साथ खुश हैं, और साथ में हमारा साथ दे रही है ये बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं जर्नी में, देखते हैं और कैसे कैसे नजारे आगे हमें दिखने वाले हैं। और देखिए, बातों बातों में ही आपको ये आसपास का नजारा देख के लग रहा है कि शायद हम किसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, तो जरा गैस करके बताइए आप लोग। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, 1, 2, 3। And whoever is right about it, do comment in the comment section. And here is your answer, guys. देखिए 25 किलोमीटर तक का हम जो स्ट्रेच है वो कवर करके पहुंच चुके हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन तक। ये मार्ग जो था ना 2014 के बाद ही ओपन हुआ था। पहले जो रेलवे लाइन कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ उधमपुर तक ही थी, तो इंडिया को हम उधमपुर तक ही कनेक्ट कर पाते थे। उधमपुर के बाद जाने के लिए आपको रोड का जो मार्ग है उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। बट क्योंकि भारतीय रेलवे ने हमें ये सुविधा प्रदान की है और हम काफ़ी धन्यवाद करना चाहेंगे उनका, जी हाँ, कि हम आज इस पूरी यात्रा को तय कर पाते हैं माता के धाम तक, और काफ़ी आसानी से। बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब अगर जम्मू मेल की बात करी जाए तो इसका इतिहास भी काफ़ी रोमांचकारी है। देखिए, जब कठुआ रेलवे स्टेशन से जम्मू रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन पहली बार बिछाई गई तो इसका काम 1972 में पूरा हुआ, और पहली जो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन थी वो चलाई गई श्रीनगर एक्सप्रेस के नाम से, जिसका अब नाम है झेलम एक्सप्रेस। और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी 2 दिसंबर 1972 को हुई थी, जब जम्मू रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनें आई, और बाकी 3 ट्रेनें हैं कश्मीर ट्रेन, जिससे कि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसका नाम है जम्मू मेल सियालदा एक्सप्रेस, और जो चौथी थी वो थी जम्मू से पठानकोट के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप देख सकते हैं कश्मीर ट्रेन यानी कि हमारी जम्मू मेल का इतिहास कितना पुराना है, और आप मेरे साथ ऐसी ऐतिहासिक जर्नी कर रहे हैं। और हाँ, अगर इतिहास की बात हो रही है तो ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, इससे जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट भी है जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा के लिए जोड़ दिया गया, क्योंकि 1971 में इसी टाइम पे चल रही थी इंडो पाक वॉर। जिस समय ऐसी वॉर हो रही हो और एक कंट्री कितनी सारी परेशानियों से जूझ रहा हो, उस समय भी हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रोका नहीं। दिस रेलवे लाइन फीचर्स सेवरल टनल्स एंड ब्रिजेस दैट कट थ्रू द हिल्स एंड स्पैन अक्रॉस द वैलीज। दीज इंजीनियरिंग मार्वल्स एनहांस द ब्यूटी ऑफ द जर्नी एंड मेक इट एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ट्रैवलर्स। The region along the rail route is rich in biodiversity, and passengers may get glimpses of various flora and fauna during their journey. From colorful birds to grazing animals,
the natural diversity adds to the charm of the travel experience. And जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे throughout the journey, ट्रेन प्रोवाइड कर रही है हमें पैनोरामिक व्यूज ऑफ जो भी आसपास के लैंडस्केप्स हैं उसके. आपको ऐसा भी दिखेगा कि सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी गांव, पिक्चरस्क विलेजेस कह सकते हैं इनको. एज द ट्रेन चग्स अलोंग, यू विल रियली कम अक्रॉस दीज चार्मिंग लिटिल विलेजेस नेसल्ड एमिड नेचर्स बाउंटी. दीज विलेजेस ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ द लोकल वे ऑफ लाइफ एंड एड टू द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ द जर्नी. अगर नदियों की ही बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर से निकलने वाली एक नदी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है तावी नदी, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो महाभारत काल से इसका विषय, इसके बारे में बातें करी गई हैं, इसने काफ़ी डायनेस्टीज़ को उखड़ते और बनते हुए भी देखा है. तो तावी नदी, उस पर बने ब्रिजेस और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानने को मिलता है. तावी नदी आगे जाके अखनूर के पास चिनाब नदी में मिल जाती है. ऐसे ही बड़े बड़े छोटे छोटे ब्रिजेस से होते हुए, सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रिजेस से होते हुए हमारी ये यात्रा पूरी होती है जम्मू तक. तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें और देखने के लिए मिलती हैं. अगर अब फ्लोरा एंड फौना की ही बात करी जाए तो द रीजन अलोंग द रेल रूट इज़ रियली इनक्रेडिबली रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड पैसेंजर्स मे गेट ग्लिम्पसेस ऑफ वेरियस फ्लोरा एंड फौना ड्यूरिंग द जर्नी. पैसेंजर्स कैन ऑल्सो इन्जॉय द सीरीन व्यूज ऑफ द फ्लोइंग वाटर अमिड्स द माउंटेन्स. द रिवर साइड सीन्स एड अ टच ऑफ ट्रांक्विलिटी to the journey. शाम ढलते से ही कुछ पुरानी यादें भी सामने आ जाती हैं. हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ यहाँ की यात्रा ना करी हो. और अगर आपने ये यात्रा नहीं करी है तो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं. अभी सामान पैक करिए और बनाइए, क्योंकि अगर हम कल कल करते रहेंगे वो कल कभी नहीं आएगा. बनाइए प्लान और शुरुआत करिए अपनी यात्रा की, इस नीले आसमान को देखते हुए, इस लश ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए, वो चाय चाय की आवाज़, वो छोटी छोटी जगह पे उतरना, खाना, इन छोटे छोटे गाँवों को देखना और ऐसे बेहतरीन नज़ारे जिनको भुलाना हम सभी के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है यार. और जैसे जैसे शाम होती जरी जा रही है, मुझे ये माउंटेन्स कुछ अलग ही तरीके के मजेस्टिक लगने लग गए हैं. ये स्नो कैप्ड पीक्स हैं, जो आसपास की जो लश ग्रीन वैलीज हैं वो एकदम ब्रेथ टेकिंग बैकड्रॉप की तरह काम कर रही हैं. पूरी जर्नी ऐसी लग रही थी कि जैसे कि मैं धरती पे नहीं आसमान पे चल रही हूँ. इतनी खुशी होती है इन सब चीज़ों को देख के. मुझे नहीं पता कि हम सब की खुशी किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई है. शायद हम सब इन सब चीज़ों पे डिफर कर सकते हैं, बट शायद अगर हम अपने मन की आंखों से देखें, शायद अपने मन से देखें, तो ऐसी यात्राओं को जब हम अपने दोस्तों के साथ करें, और चाहे हम अकेले ही क्यों ना करें, ये इतनी मनमोहक होते हैं ये दृश्य, कि हमारा जो दिल है वो जीत लेते हैं. यहाँ के आसपास की चीज़ों को देख के लगता है कि यहाँ कितनी शांति रही होगी. यहाँ के जीव जंतु एक अलग ही प्रकार की दुनिया में रहते हैं, और जब हम जैसे मानव ऐसी दुर्गम रूटों का निर्माण करते हैं
और पहुंचते हैं उन जगहों पे जहां पहुंचना कभी नामुमकिन सा लगता हो, लेकिन आज हम मानव उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, उन जगहों के बारे में जान रहे हैं जिन तक शायद पहले पहुंचना एक सपना सा लगता था, और आज ये जर्नी मुझे एक सपना सा लग रही है। आसपास का एनवायरनमेंट इतना सुंदर है, देख के मज़ा सा आ गया है। मैं ये पूरी ट्रिप सोलो कर रही हूँ, एज अ सोलो फीमेल ट्रैवल व्लॉगर। मुझे ऐसा लग रहा था और लोगों को ऐसा लगता है कि आप कैसे इंजॉय करती होंगी, आप इतनी लंबी लंबी जर्नीज करती हैं। तो कहते हैं ना कि सच में इंजॉय करने के लिए आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी में खुश हैं। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, आप उसको किस तरीके से समा रहे हैं अपने रूम रूम में, आसपास की चीज़ों का क्या महत्व है, क्या सौंदर्य है, क्या जो दिख रहा है वो सच है या नहीं, या जो दिख रहा है उसे हमें वैसे ही ग्रहण कर लेना है या नहीं। शायद ये सारी बातें थोड़ी सी अकल्पनीय लगती हैं, पर ये सच हैं। ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं आसपास, जो लगता है कि समय बस यहीं पे ठहर जाए और कुछ समय के लिए बस वो शांति आपके अंदर आप उसको समा लें। तो कहते हैं ना, जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हों या आप सो रहे हों, तो आप कुछ समय ऐसी बातों को याद करना चाहते हैं जिसमें आपको शांति का अनुभव हो। तो ये यात्राएं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आप सोलो होते हो, जिसमें आपको लोगों की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी आप सिर्फ चलते चले जाते हो, बिना रुके, बिना थके, बस बिना किसी मंजिल के। और अब समय ढलते के साथ, शाम आते के साथ, ऐसा लग रहा है कि सूरज भी अब सोने की तरफ जाने लग गया है, कह रहा है चलिए यार गुड बाय, समय हो चुका है मेरे भी जाने का। पर जाते जाते आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखा देता हूँ जिसे देख के आप लोग बोले कि चलो भाई यहाँ आना सफल हुआ। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना सुंदर लग रहा था वो नज़ारा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, आसपास बच्चे चहचहा रहे थे, कुछ बच्चे हाथ निकाल के इसको महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। यही तो बचपना है, इसी पे शायद हमने बहुत सारी डांट भी खाई है अपने माँ बाप की, लेकिन माने फिर भी नहीं है, जब मौका मिला है हाथ निकाल के देखा ज़रूर है। बट गाइज लेट मी टेल यू, अगर आप छोटे बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप यू नो यंगस्टर हैं 14, 15, 16, 17 ईयर्स ओल्ड हैं, और हम लोग मैंने बहुत बार देखा है कि ट्रेन पे, रेलवे स्टेशंस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कूल बनने के लिए बहुत सारे स्टंट करते हैं ट्रेन के साथ में, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हम दूसरों को दिखाने के लिए जब कूल बनने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को कोई भी फर्क पड़ता है, वही दुनिया जो आज आपको कूल कह रही है वो कल आपको फूल कहेगी। तो ऐसी मिस्टेक्स ना करिए कि वो इररिवर्सिबल मिस्टेक बन जाए आपकी। आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ सब कुछ प्राइम इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज के स्मार्ट किड बनिए, ना कि कोई बेवकूफ़ी भरी दुनिया में जिए। इन्हीं बातों के साथ हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी, एंड फाइनली इस व्लॉग का यही होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार व्लॉग में आपके अपने चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे। टेक केयर, बाय बाय।